श्रोमणी अकाली दल टकसाली वालों चंडीगढ़ विखे मीटिंग की गई जिथे फैसला होया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रिकॉर्ड विचों 265 पावन सरूप गायब होने के मामले की जांच एक कमेटी करेगी जो कि श्रोमणी कमेटी मैंबर सेवा सिंह सेखवां की अगवाई हेठ काम करेगी। बीते दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप रिकॉर्ड चो गायब होना लंगर नूं लैके भ्रिष्टाचार दीआं खबरां नसर होईआं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां अगले साल होने की संभावना है जिस लई सारिया ही पंथक धिरां वल्लों मोर्चे संभाल लै गए ने। इन्हां खबरां दे सामने आउण तों बाद श्रोमणी अकाली दल टकसाली वल्लों चंडीगढ़ विखे प्रधान रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा की अगवाई च मीटिंग सद्दी गई जिथे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रिकॉर्ड चो गायब होए पवित्र सरूप और लंगर के भ्रिष्टाचार को लेकर चर्चा की गई। इस मौके सेवा सिंह सेखवां की अगवाई च एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी अपने तौर पर पड़चोल करके रिपोर्ट पार्टी प्रधान रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा को सौंपेगी। इस मौके जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर चर्चावां हुई उत्थे ही पंथक एकता की गल करने वाले श्रोमणी अकाली दल टकसाली ने नवीं शर्तां सामने लियां। श्रोमणी अकाली दल टकसाली की लीडरशिप वालों कोर कमेटी की हाजरी से मता पास किया गया कि पंथक एकता बहाल करन समय श्रोमणी अकाली दल टकसाली को खत्म नहीं किया जाएगा। तो पंथक एकता इस शर्त पर होगी कि श्रोमणी अकाली दल टकसाली पार्टी बरकरार रहेगी। सो श्रोमणी अकाली दल टकसाली की लीडरशिप वालों जो चर्चावां कीतियां गईयां ने इस तो साफ है कि एक बार मुड़ तो पंथक अते सियासी धिरां दे विच वखरेवां देखण नूं मिल सकदा है। तो यह भी चर्चावां दा विचार गर्म हो चुकी है कि जेकर पंथक धिरां वक्खो वक्खरे फ्रंट ते लड़ियां तो पंथक एकता सिर्फ मीडिया बयानां तक ही सीमित रही तो श्रोमणी अकाली दल बादल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते दोबारा जित प्राप्त कर सकता है।